अभ्यर्थी 2013 का अभ्यर्थी, पीड़ित अभ्यर्थी हूँ और हमारे सारे प्री मेंस, उसके बाद में फिजिकल और मेडिकल भी आज के 3 साल पहले समाप्त हुए और कुछ अभ्यर्थी जो बचे हुए थे जो कि हम लोग केस जीत कर हाईकोर्ट से आए और उसका पुनः मेडिकल कराया गया हम लोगों का। मेडिकल कराने के बाद भी हमें सिर्फ यही सांत्वना दी गई कि 1 हफ्ते में, 10 दिन में, 15 दिन में हमारा रिजल्ट घोषित कर दिया जाएगा, लेकिन भर्ती बोर्ड के मनमाने रवैये के कारण हमारी ये जो फाइनल कट ऑफ है, फाइनल रिजल्ट है, अभी तक घोषित नहीं किया गया। इसीलिए हम लोग यहाँ दिल्ली के जंतर मंतर स्थल पर आए हुए हैं और हमारी मांग है कि भर्ती बोर्ड का ये जो मनमाना रवैया है, ये बिल्कुल नहीं चलना चाहिए। इनका ये जो पक्षपात रवैया है ये भी बिल्कुल नहीं चलना चाहिए। हम एक चीज़ और अवगत करा देना चाहते हैं कि 2015 पुलिस भर्ती 2015 जो कि मेरिट की भर्ती थी, हम लोगों के बाद में आई, लेकिन फिर भी वे बच्चे सारे ट्रेनिंग पर चले गए और उनकी ट्रेनिंग लगभग संपन्न होने को है और हम वहीं 2013, ये 2011 की भर्ती है, बसपा के शासनकाल 2011 में भर्ती आई हुई थी। उसके बाद में अखिलेश सरकार की भर्ती आई तो उन्होंने पुनः संशोधन करके इस भर्ती को अपने शासनकाल में निकाला और ये योगी का शासनकाल चल रहा है, आज तक हम लोग न्याय नहीं पाए हैं और आज तक दर दर भटक रहे हैं अपने न्याय के लिए। और जब तक हमें न्याय नहीं मिल जाता है, हम दिल्ली कूच के लिए निकले हैं और आवश्यकता पड़ी तो फिर हम आगे और भी कदम बढ़ाते रहेंगे। ये भर्ती बोर्ड का मनमाना रवैया बिल्कुल भी नहीं चलना चाहिए। हम एक प्रश्न करना चाहते हैं कि ये बताइए 2013 की भर्ती पहले आई थी या 2015 की? तो जवाब यही आएगा कि 2013 की भर्ती पहले आई थी, लेकिन आज तक हम लोगों को फाइनल कट ऑफ भी नहीं जारी की गई, जबकि 2013 के पुलिस 2015 के पुलिस अभ्यर्थियों का फाइनल कट ऑफ ही नहीं बल्कि उन्हें प्रशिक्षण पर भेजा भी गया और उनकी प्रशिक्षण की जो अवधि होती है वो भी पूरी होने के कगार पे है। हम लोग मानसिक रूप से बहुत ही पीड़ित हैं, आर्थिक रूप से पीड़ित ही हैं और जो राजनीतिक रूप से ये पीड़ा हम लोगों की वेदना है, हम इसे बयां करना चाहते हैं और इसे शासन स्तर तक पहुंचाना चाहते हैं। आइए।